अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर ज़ोया कासिम और आप मुझे देख रहे हैं अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन हमेशा ही आपके लिए बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया है, ठीक इसी तरह आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं ओरल सेक्स के बारे में। जी हाँ, ओरल सेक्स के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, आई थिंक 75% लोग तो जानते ही हैं। जो 25% लोग नहीं जानते हैं, उनको हम ये आगाही देना चाहते हैं कि ओरल सेक्स एक्सल में चीज़ क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं। बहुत सारे लोग इसके नुकसानात नहीं जानते हैं, जस्ट जिनसी लज्जत की खातिर ये काम करते हैं और बाद में बहुत सारी ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जो उनके लिए जानलेवा साबित होते हैं। आज हम ओरल सेक्स को डिस्कस करेंगे। मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूं, आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ओरल सेक्स। ओरल सेक्स असल में क्या है? ओरल सेक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि यंग जनरेशन में मोस्टली पाई जाती है। इसमें जो उज़्वे ख़ास होता है, जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, उसको मोस्टली लोग जो हैं वो ज़ुबान के साथ चाटना पसंद करते हैं, मुंह में लेना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गंदी हरकत है और जिससे बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं। जिसे मतलब अगर आप इसका ज़ुबान के साथ रابطہ किया जाए तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ओरल जेनिटल कॉन्टैक्ट। ओरल जेनिटल कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा, इसका ताल्लुक जो है ना वो आपके सेंसिटिव पार्ट का सीधा ज़ुबान के साथ इसका ताल्लुक होता है। जब औरत मर्द के सेंसिटिव पार्ट को मुंह में लेकर चूसती है तो उसको फ्लैशो कहते हैं। इसके ऊपर जो है एक मैगज़ीन भी शाया हो चुका है, इसके ऊपर एक आर्टिकल शाया हो चुका है। इसी तरह एक और प्रोग्राम है जिसको हम लोग किनी लंग्स कहते हैं। किनी लंग्स किसको कहा जाता है? जब आप औरत के सेंसिटिव पार्ट को ज़ुबान से या हाथ से सहलाते हैं उसको किनी लिंक्स कहते हैं। इस पर भी एक आर्टिकल शाया हो चुका है। अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ या जो लाइफ पार्टनर्स हैं या जो एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, वो अगर एक दूसरे के साथ एक ही टाइम में एक दूसरे के सेंसिटिव पार्ट्स को अपनी ज़ुबान के साथ, अपने हाथ के साथ सहलाते हैं तो उसको 69 कहते हैं। 69 क्यों कहते हैं? क्योंकि उस वक्त वो दोनों इस शेप में होते हैं कि 69 लुक देता है, इसलिए इसको 69 भी कहा जाता है। और यूरोपी नामी नहाद अदीब और दानिश्वर ओरल सेक्स के हक में जो दलाइल देते हैं उसमें वो महानामा जो हमने अभी आपको बताया कि जो जिसमें ये शाया हुआ है ये आर्टिकल किनीलिंग्स और फ्लैशो, उसको उसका नाम है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन ये मैगज़ीन का नाम है जो कि महाना वहाँ पर शाया होता है। इसमें वो जो हमारे यूरोपी दानिश्वर हैं, नामी नहाद दानिश्वर हैं यूरोपियन, वो इसमें अपने दलाइल जो हैं वो बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद जानना है तो आप कॉस्मोपॉलिटन मैगज़ीन को लाजमी रीड करें ताकि आपको इसके नुकसान भी पता चल सकें, क्योंकि हमारे जो दानिश्वर हैं यूरोपियन जो अदीब हैं इस पर खुलकर बहस करते हैं, उसके नुकसानात, उसके आपको बीमारियों के बारे में खुलकर वो बता सकते हैं। अगर जो लोग इसमें ओरल सेक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उसको ये मैगज़ीन लाजमी पढ़ना चाहिए। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इस्लामी तरीके से चलें, शरीयत के हिसाब से चलें ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। हमारे प्रोग्राम को दिखाने का मतलब यही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और बिला वजह बीमारियों से दूर रहें। ये जो आपके जिनसी तस्कीन हासिल करने के तरीके हैं ये आपकी बीमारियों को पैदा करते हैं। आज की वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।